देवास जिला अस्पताल से चोरी हुई 3 दिन की नवजात बच्ची का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बच्ची को गुम हुए 6 दिन बीत चुके हैं। मामले ने जिला प्रशासन और पुलिस की चिंताएं बढ़ा रखी है। वहीं विपक्ष भी इस घटना को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और मामले में बुधवार को युवक कांग्रेस ने CMHO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोड ने कहा कि हमने गधों को CMHO की तख्ती पहनाकर उन्हें गुलाब जामुन खिलाए हैं क्योंकि CMHO गधे से कम नहीं है। उन पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लोगों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि वह रिश्वत मांगते हैं। हमारी मांग है कि CMHO को तत्काल हटाया जाए। उन्हें जब तक नहीं हटाया जाता युवक कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रहेगी। हमारे प्रदेश में जो कि अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, देवास में एक बच्ची चोरी हो गई है और उसी दरमियान आज युवक कांग्रेस द्वारा जो बच्ची चोरी हुई है CMHO को एक गधे को CMHO की तख्ती पिनाकर उसे गुलाब जामुन खिलाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ के CMHO जो कि गधे से कम नहीं है और रिश्वत के मामले में अभी बहुत आगे है क्योंकि BJP के ही नेताओं ने उन पर आरोप लगाया है कि आपने रिश्वत ली है। अब CMHO या तो जब तक उनको बर्खास्त नहीं करते जब तक युवक कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किए जाएंगे और हम चाहते हैं कि CMHO को बर्खास्त करो और बच्ची को जल्दी से जल्द प्रशासन ढूंढ के लाए। ठीक।